27 फरवरी को कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के जवानों द्वारा गलती से भारतीय सेना का ही हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था। इस मामले में हुई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद वायुसेना के 5 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। बता दें कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान भारतीय सेना ने उनको कड़ा जवाब दिया था। इस दौरान ही लापरवाही की वजह से एक भारतीय हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था। बता दें कि जब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उस समय पूर्व एयर कमांडर एयर मार्शल हरि कुमार ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। ग्रुप कैप्टन के साथ ही 5 अफसरों, 2 विंग कमांडर और 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट को दोषी पाया गया है। ये जांच एयरफोर्स हेडक्वार्टर द्वारा करवाई गई है। सरकार और एयरफोर्स के आला अधिकारी इस मामले में कड़ी सजा देने के पक्ष में हैं। न्यूज डेस्क।